हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये मूवी फुल्ली फैमिली ड्रामा मूवी है, आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसमें फन ड्रामा इसके साथ साथ कुछ सोशल मैसेज भी है। मूवी का स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम रंधावा फैमिली के घर को देखते हैं, जो कि सुपर रिच और धनलक्ष्मी स्वीट्स के मालिक है। और ये रही धनलक्ष्मी जी, जो अपने लड्डू को खुद टेस्ट करती है। इनकी खानदानी बिजनेस है और वो बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। धनलक्ष्मी जी के शादी होने के बाद उनको ही पूरा शॉप संभालना पड़ा। उनके पति जो है वो शायर थे, उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर धनलक्ष्मी जी को अपने पैसे से बहुत ज्यादा प्यार था। और उसी चक्कर में अपने बेटे का नाम उन्होंने तिजोरी रख दिया। और एक दिन धनलक्ष्मी जी के पति कमल वो सीढ़ियों से गिर के उनकी याददाश्त चली जाती है, और तब से लेके आज तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर हम देखते हैं रॉकी रंधावा को, जो कि ये सारी स्टोरी बता रहा था। वो रईस, पैसे लुटाने वाला, लड़कियों का फेवरेट, पर सॉफ्ट है दिल का, कोई घमंड नहीं है कि इतना पैसा है उसके पास। फिर हम देखते हैं फंक्शन में रॉकी अपने पापा और दादी से बहुत ज्यादा डरता है, उनके सामने उसकी चूनी निकलती। फिर अचानक से फंक्शन के बीच में एक पुराना 90s का गाना बज उठता है, जो कि सिर्फ कमल को ही सुनाई दे रहा है। और वो एक औरत के पास जाता है और उसको जामिनी बोल के किस कर देता है, और उसी बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। रॉकी कैसे भी करके सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर घर में डॉक्टर सबको बोलते हैं, बार बार ये नाम दोहरा रहे हैं, जामिनी ये कौन है, अगर ये आपके जान पहचान में कोई है इनके सामने आप ले आओ, धीरे धीरे इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। फिर धनलक्ष्मी और तिजोरी डॉक्टर को मेडिसिन दे जाने की बात बोल के घर से जा रहे थे, तब कमल अपने बेटे तिजोरी को बुला रहा था। तब तिजोरी को धनलक्ष्मी बोलती है, इधर उनको देखने के लिए डॉक्टर है, तुम मेरे साथ चलो। तब जाते जाते तिजोरी को याद आता है कि उसको कभी अपने पापा के साथ घुल मिलने के लिए नहीं दिया गया, और वो सारी काम धनलक्ष्मी करती थी। फिर रात को रॉकी अपने दादू से पूछता है, दादू ये जामिनी कौन है, उसके दादू तो ये सब कुछ याद नहीं कर पाता। तब रॉकी क्या करता है, उनका डायरी उठा लेता है और उधर से उसको एक पुराना फोटो मिलता है जिसके पीछे लिखा था जामिनी। फिर वो अपने जिम में जाके अपने दोस्त एडी के साथ वो डिटेल्स गूगल में सर्च करता है 1978 लिख के। तब उसको एक आर्टिकल मिलता है जो कि रानी चैटर्जी ने लिखा था। तो फिर क्या, रॉकी पहुंच जाता है वेबसाइट पे दिए गए एड्रेस पे, और फिर हम रानी को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहा था। और रानी इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंटली और बोल्ड तरीके से मिनिस्टर के साथ बात कर रहा था। रानी मिनिस्टर को अपनी गलतियां बता रहा था, और ये सब कुछ देख के रॉकी को बहुत पसंद आता है। फिर वो रानी के केविन में जाती है और उसको सारा बात बताता है, फंक्शन में क्या हुआ और तस्वीर भी दिखाता है। पहले तो रानी उसको देखकर मनी मन हंस रही थी, पर बाद में जब उसने फोटो को सीरियस होकर देखा तब वो बताती है, ये तो जामिनी चैटर्जी है, मेरी दादी, तुमको ये फोटो कहां से मिला। तब रॉकी बताता है, ये मेरे दादाजी के किताब में थी। और रॉकी जाते जाते ये भी बोलता है, घर जाके तुम अपनी दादी से बात करो कि वही जामिनी है या नहीं। फिर ये रहा मेरा कार्ड, कुछ हुआ तो कॉल कर लेना। फिर हम चैटर्जी परिवार का घर देखते हैं, जो कि टिपिकल एडुकेटेड बंगाली फैमिली है। और ये रही रानी की माँ अंजलि चैटर्जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की टीचर है। और ये रही चंदन चैटर्जी, जो कि रानी के पापा है, कोलकाता के जाने माने कथक डांसर। पर अंजलि का डीयू में जॉब लगने के बाद वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं और घर से ही कथक सिखाते हैं। और ये है जामिनी, रानी की दादी, जो कि पोएट्री और हिंदी गाने का बहुत ज्यादा शौक रखती है। इतना ही है रानी का परिवार। फिर रात को डिनर टेबल में उन लोगों में हंसी मजाक चल रहा था, और इसी बीच में रानी बोलती है, दादी आपको पता है आज ऑफिस में एक कार्टून आया था जो कि बोल रहा था मेरे दादू कमल आपके दादी को जानती है, उनको याद करके गाना गाती है, हो सकता है वो उनसे प्यार करती है। और इस बात पे आपको नहीं पता दादी मैं कितनी हंसी। पर कमल नाम सुन के जामिनी जैसे चुप सी हो गई और टेबल से उठ के अपने रूम में चली गई। फिर रात को जामिनी कमल का एक पुराना फोटो सिंदूक से निकाल के रानी को बोलती है, कभी कभी दो पल का साथ भी आपको जीवन भर का मोहब्बत दे जाती है। और ये भी बोलती है, वो सात दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। 1978 जब हॉलीडे चल रहा था मैं शिमला गई थी, और उधर मैं कमल जी से मिली, वो एक कवि सम्मेलन था, उधर मैं उनसे मिली। पहले तो दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, पर हम दोनों तब शादीशुदा थे और घर परिवार को तोड़ने का शक्ति दोनों में ही नहीं था। तो एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया और ये रिश्ता पूरा खत्म कर दिया। तब रानी बोलती है, अब उनको आपकी जरूरत है, और वो आधी फोटो को वो पूरा कर देती है। फिर हम देखते हैं रिचा को, मतलब रॉकी के बहन को, जिसके लिए रिश्ता आया था, पर लड़के वाले उसी के सामने उसके इंसल्ट करने लगे, सरकास्टिक वे में बोलने लगे, बॉडी शेमिंग करने लगे। और लड़की वाले के जाने के बाद तिजोरी और धनलक्ष्मी उसको बोलने लगे, परिवार का नाक तो कटा चुके हो, 100 से ज्यादा रिश्ते मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं, अब तो अपने वेट पे ध्यान दो, और ये बोल के गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन रानी रॉकी को कॉल करके बोलती है, तुम तुम्हारे दादू को लेके हमारे घर आ जाओ। तब रॉकी बोलता है, मेरे दादू तो व्हील चेयर पे है, वो पॉसिबल नहीं है, तुम आ जाओ और इसी बहाने मुझे थोड़ा चेकआउट भी कर लेना।
फिर अगले दिन रानी की फैमिली रॉकी के घर में आते हैं और धनलक्ष्मी जी जामिनी से पूछती है, आप कैसे जानते हो कमल? तब जामिनी बताती है कैसे वो लोग कभी सम्मेलन में मिले। फिर कमल आते हैं और जामिनी उनके सामने जाके बोलने लगे, मुझे पहचाने? हमने पूरे 7 दिन एक साथ बिताए थे। और कमल के ना पहचाने जाने पे वो एक पुराना गाना गाती है। वो गाना कुछ ऐसे था, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तब तिजोरी ये सिचुएशन देख के बोलता है, पापा का भी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप पापा के लिए इतने दूर तक आए। और जब रानी के परिवार वापस जाने लगे तब कमल व्हीलचेयर से उठ के वही गाना दौड़ाने लगा, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो हवा जरा महक तो लो, ये बोल के जामिनी के पास जाते हैं और उनको किस कर लेते हैं। और वो सिचुएशन देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह एडी रॉकी से बोलता है, भाई तेरे दादू इस उम्र में भी कोई मौके नहीं छोड़ते और तू अभी तक रानी को सेट ही नहीं कर पाया। तब रॉकी बोलता है, अरे मेरा पर्सनालिटी कुछ ऐसा है, वो कभी ना कभी मेरे प्यार में गिर ही जाएगी। तब एडी बोलता है, भाई गलतफहमी में मत रह, वो हाईफाई इंग्लिश बोलने वाली एजुकेटेड सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है और तूने मैट्रिक का डिग्री भी पैसे देके खरीदे है, तो ज्यादा हवा में मत रह, जाके उसके आगे पीछे घूम, नहीं तो वो निकल जाएगी। फिर उस दिन रात को रॉकी पूरा मिठाई का दुकान लेके रानी के घर पहुंचता है। फिर रानी के फैमिली के साथ रानी का ऑफिस का कलीग चरण भी होता है, जो कि रानी को पसंद करता है और उसके फैमिली को भी ये पता था। पहले तो चरण रानी को जाने के लिए मना करता है, पर रॉकी भी कहां मानने वाला था। वो रानी को कोने में ले जाके ये बोलता है, तुम तुम्हारे दादी को कन्विंस करो, मैं मेरे दादू को करता हूँ, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, बहुत दिनों से वो लोग एक दूसरे से नहीं मिले। और रानी बोलती है, और उसी बीच में हम दोनों भी मिल लेंगे, यही प्लान है ना? और उस बात पर रॉकी हंस देता है। फिर वो लोग एक साथ मिलने लगे, जिधर जामिनी और कमल एक दूसरे साथ मिल रहे थे, दूसरी तरफ रॉकी और रानी की भी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। पर रॉकी जब कभी रानी को हक करता है, रानी तब थोड़ा समझ जाती है। फिर रात को रानी की दादी उसको बोलती है, तुम अगर उससे प्यार करती हो बता दो, ये ना हो कि देर हो जाए। रानी तब बोलती है, कोई प्यार व्यार नहीं है दादी, ये सब कुछ इन्फैचुएशन है। फिर रानी के बर्थडे के दिन रॉकी उसको ऑफिस से पिक करके एक ओल्ड से दुकान पे ले जाता है और उधर 90s के प्यार भरे गाने चला देता है और रानी का स्वागत करता है। और रानी भी सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश थी। और जब एक मूवमेंट बनता है, रॉकी रानी को हग करके किस करने की कोशिश करता है और फिर प्रपोज करने के लिए रिंग निकालने जाने वाला था, तब रानी बोलती है, मुझे घर जाना है, घर वाले वेट कर रहे होंगे। वो सिचुएशन कुछ रॉकी को समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन रॉकी रानी को घर बुलाता है और रानी के लिए पूरा रूम सजाया था और उसको बोलता है, शायद कल वाला डेस्टिनेशन तुमको पसंद नहीं आया, मुझे ही सोचना चाहिए था, मैं रानी को प्रपोज कर रहा हूँ तो एम्बियंस भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, आज वाला तुमको पसंद आया? और फिर से उसको प्रपोज करने के लिए जाता है और रानी उसको फिर से रोक देती है और रॉकी के पूछने पे बताती है, इट्स जस्ट इन्फैचुएशन, कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या, एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के ओपिनियन कल्चर थॉट्स सब कुछ मैच होना चाहिए। तब रॉकी बोलता है, तुमने कभी मेरा ओपिनियन चाहे तू असलियत में मुझे डफर समझती है, आज तू पूछ ही ले, तुझे क्या जानना है। तब रानी इरिटेट होके बोलती है, तू बता फिर वेस्ट बंगाल किधर है? तब रॉकी बोलता है, वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली वेस्ट में ही होगा। तो रानी बोलता है, नहीं वो ईस्ट में है। रॉकी बोलता है, ये ट्रिक क्वेश्चन था, तू और एक पूछ। तब रानी बोलती है, अच्छा तू बता इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? रॉकी बोलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रानी बोलता है, नहीं द्रौपदी मुर्मू, राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और रानी बोलती है, ये सब कुछ छोड़ो, मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे फैमिलीज, जो कि पूरे डिफरेंट है, हमारे कल्चर रहन सहन सब कुछ अलग है। रॉकी तब बोलता है, वो तो हमारा भी है, पर मैंने कभी कंप्लेन किया? 2 दिन से बेवकूफ की तरह मैं रिंग लेके घूम रहा हूँ और तुम मुझे आज ये सुना रहे हो कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, मैं फिर से जाके स्कूल में भर्ती हो जाता हूँ, ये बोलकर गुस्से में घर से निकल जाता है। उन लोगों के साथ कमल और जामिनी को भी धनलक्ष्मी और तिजोरी देख लेते हैं। फिर क्या होना था, दोनों के घर में ही कलेश शुरू हो जाता है और रॉकी ने रानी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। फिर एक दिन जब रॉकी एक होटल से निकल रहा था, रानी उसको अपने साथ आने के लिए बुलाता है, पर रॉकी नहीं सुनता और वो अपना गाड़ी लेके निकल जाता है और रानी भी उसके पीछे पीछे गाड़ी लेके जाती है और बीच रास्ते में जाके उसके गाड़ी को ठोक देती है। फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है और रानी अपनी गलती एडमिट करती है और बोलती है, भले मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, एक वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, पर आखिर में मुझे तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से ही प्यार हो गया और मुझे बस ये पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी, और जहाँ प्यार की बात आती है उधर कोई डिग्री काम नहीं आती, और फाइनली मैं तुमको प्रपोज कर रही हूँ रॉकी रंधावा, आई लव यू। और ये बोल के रानी अपना रिंग निकाल के रॉकी को पहनाता है और रॉकी भी पिघल जाके उसको हग कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे रॉकी रानी से बोलता है, फिर और क्या, घर वालों को बता दे हम लोग, मंडप सजा ले, डोली बुला ले, ज्यादा देरी नहीं होती बेबी, हम लोग हनीमून पैकेज भी गोवा में बुक कराएंगे। तब रानी बोलती है, रुको रुको, इतना आसान भी नहीं है, हमारे घर वाले टोटली ऑपोजिट है, कुछ ना कुछ
जुगाड़ हमको लगाना पड़ेगा। फिर वो लोग एक जुगाड़ लगाते हैं कि 3 महीने तक हम दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे और देखेंगे हम कितने कंफर्टेबल है एक दूसरे के फैमिली के साथ। फिर वही होता है, रॉकी जाके अपने घर में वो प्रस्ताव देता है, तब एज यूजुअल उसके पापा उसको 2 जूते मारते हैं। पर उसकी दादी बोलती है एक शर्त पे ये हो सकता है, अगर वो लड़की एडजस्ट नहीं कर पाई तो वो कभी भी हमारी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी, और रॉकी उनकी ये शर्त मान जाता है। दूसरी तरफ रानी के घर में भी मनाना इजी नहीं था, पर आखिर में वो भी अपने घर वालों को कन्विंस कर लेती है। फिर वो लोग अपना घर एक्सचेंज करते हैं और पहले दिन ही पूजा घर में धनलक्ष्मी रानी को बोल देती है तुम बस कुछ दिनों के लिए मेहमान हो, परिवार बनने की कोशिश मत करना। और दूसरी तरफ रॉकी का पंजाबी एटीट्यूड, हर एक बात पे जप्पी पाओ जप्पी पाओ, इस बात पे रानी के घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। लाइक देखने से ये लग रहा था कि दोनों घर में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। रात को खाने के टेबल में पूनम मतलब रॉकी के माँ को उसके पति बोलते हैं रोटी ठंडे हो गए हैं गर्म करके लाओ, तब रानी बोलती है मैं चलती हूँ आपके साथ, रोटियां तो आपके प्लेट में भी ठंडे हो गए हैं। धनलक्ष्मी बोलती है कोई जरूरत नहीं है, पर रानी उनकी नहीं सुनती। और रात को रानी किचन की तरफ जाती हुआ देखती है कि रिचा फोन में स्टॉक मार्केट्स के टिप दे रही थी, पर रानी को देखकर वो बातें बदल देती है। और जब वो किचन में पहुंचती है देखती है कि रॉकी की माँ गाना गा रही थी और उनको जाके अप्रिशिएट करके बोलती है आप तो बहुत सुंदर गाती हो। तब पूनम बोलती है पता है तुमको मैं शादी से पहले स्टेज प्रोग्राम करा करती थी, मुझे लगता था कि गाने में ही मैं अपना करियर बनाऊंगा, फिर मेरी शादी हो गई और तुमको तो पता ही है शादी के बाद क्या कुछ होता है, मैंने गाना ही छोड़ दिया। तब रानी बोलती है घर में तो आप सबकी खुशी की ख्याल रखते हैं पर अपनी खुशी का क्या। और दूसरी तरफ रॉकी सुबह उठ के चंदन को कथक करते हुए देख के मनी मन हंस रहा था, और ब्रेकफास्ट टेबल में जब सब पॉलिटिक्स वोट और इलेक्शन की बात कर रहा था रॉकी बोलता है जब से शमिता घर से बाहर चली गई मैं तो वोट करना ही बंद कर दिया। तब चंदन पूछती है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से वो लड़ रही है, और रॉकी बताता है वो तो बिग बॉस से है। वो सीन बहुत ही फनी था, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। फिर रानी के ऑफिस के लिफ्ट में वो लोग एक दूसरे को घर के अपडेट दे रहे थे, और कब अपडेट देते देते एक दूसरे में इतना घुस गए कि ख्याल ही नहीं रहा। और रात को जब रॉकी घर लौटता है तो घर में देखता है संगीत का एक सेरेमनी चल रहा है, और रॉकी को लोगों से इंट्रोडक्शन कराने में अंजलि और घर वालों को प्रॉब्लम था, इसलिए वो रॉकी को बोलते हैं बेटा तुम ऊपर जाके डंबल उठाओ और बॉडी बनाओ, ये सब तुम्हारे समझ की बाहर है। और इस बात पे रॉकी को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है। फिर अगले दिन सुबह अंजलि रॉकी को मार्केट लेके जाती है कुछ शॉपिंग करने के लिए, पर वो एक लेडीज गारमेंट शॉप। उधर रॉकी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब सेल्समैन ने बोला कि सर आप ये ब्रा एक बार ट्राई करके देखो मजाक मजाक में, तब रॉकी उस पे चिल्ला देता और बोलता है मैं कभी ऐसे शॉप में आता ही नहीं, आंटी मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, पर मैंने कभी इन सारी चीजों को छूकर भी नहीं देखा। तब अंजलि बोलता है ये सब मतलब क्या सब, जो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन तुम्हारी दादी भी पहनती है और उसको तुम नाम से भी नहीं बुला पाते, गाने में तो बहुत बोलते हो चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे गारमेंट्स होती है और तुम तो ये सारे अंडर गारमेंट्स तो छूते तक नहीं, पर तुम्हारे अंडर गारमेंट्स तुम्हारी माँ अब तक धोती है। और दूसरी तरफ सुबह सुबह धनलक्ष्मी अपने हाथों से लड्डू बना रही थी और तब उधर रानी आती है और बोलती है मैं आपकी मदद कर दूं, पर रानी से लड्डू नहीं बन रहे थे। तब धनलक्ष्मी बोलती है ये कोई एक दिन में सीखने वाली काम नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते होते हैं जो कि एक दो दिन में नहीं बनते, उसको भी धीरे धीरे ही बनाया जाता है। तब रानी बोलती है कभी कभी कुछ लम्हों के रिश्ते इतने मजबूत बन जाते हैं कि वो उस लम्हे में ही सारा जिंदगी जी लेते हैं, और रही बात रिश्ते की जहां पर दिल जुड़ गए हैं उधर रिश्ते भी जुड़ ही जाएंगे। और वो आखिर में लड्डू कम्प्लीट करके बोलती है खेला होबे। फिर रात को रंधावा फैमिली में फंक्शन था, उधर सारे लोग इनवाइटेड थे, और जब धनलक्ष्मी जी को गाना गाने के लिए बोला जाता है तब वो डिनाई करती हुई बोलती है मुझे तो नाच गाना नहीं आता, पर हमारे बीच कोलकाता के मशहूर कथक डांसर है, वो आप लोगों के लिए जरूर परफॉर्म करेंगे। तब लोगों के रिक्वेस्ट पे चंदन स्टेज पे जाके कथक डांस शुरू करता है और वो डांस देख के सब लोग हंसने लगते हैं इंक्लूडिंग रॉकी भी, और वो सब कुछ देख कर रानी और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। फिर रॉकी को भी रियलाइज होता है जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, फिर वो माफी मांगने के लिए चंदन के पास जाता है। चंदन तब बोलता है ये आज की बात नहीं है, पहले से ही मैं ये हंसी सुन के आ रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था तब मैं कथक डांसर बनना चाहता था, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर इंजीनियर बन चुके थे पर मेरा सिर्फ कथक डांस पे ही रुचि था, मुझे भी घर से बहुत ज्यादा प्रेशराइज करा गया, मेरे पापा भी मेरे खिलाफ हो गए और मुझे मारते भी थे, तब मेरी माँ सिर्फ मेरे साथ खड़े थे और आखिर में जाके मेरा डांस को ही मैंने मेरा करियर बना लिया। तब रॉकी इमोशनल होकर बोलता है यू आर ग्रेट सर, मुझे आज तक किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं, ये भी एक डांस है एक कल्चर है, घर में भी मर्द लोग को डांस करना अलाउ नहीं है, मेरे पापा और दादी हमेशा सिखाते रहे ये लड़के का काम होता है ये लड़कियों का काम होता है, मुझे भी डांस करने का शौक है अंकल आपको पता है, पर मैं किसी को बोल नहीं सकता दोस्तों को भी नहीं, असलियत में तो फट्टू मैं हूँ, मैं मेरे ड्रीम को भी खुल के जी नहीं सकता, और एक बात बताओ अंकल आपके घर में मैं आके देखा कि सब लोग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं, मेरे घर में तो कोई बात भी नहीं करता अच्छे से, और मैं उसको घर ही क्यों
क्यों बोल रहा हूँ, वो तो जेल है। और ये बोल के ही रॉकी रोने लगता है और चंदन जाके उसको गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट डे चंदन के क्लासेस रॉकी ज्वाइन करता है और उसके साथ कथक सीखता है। और दूसरी तरफ रानी कमल का सारा ख्याल रख रहा था और रानी पूनम और रिचा से भी अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी। और अगले दिन सुबह रानी पूनम से बोलती है, आंटी आप जिस दिन गा रहे थे मैं वो वीडियो सिंग फॉर इंडिया कॉम्पिटिशन के पोर्टल में अपलोड कर दी थी और आप सिलेक्ट हो गए। तब पूनम बोलती है, बेटा तुमने जो भी किया है वो सही नहीं है, मैं चाहकर भी कभी गा नहीं सकती। तब रानी बोलती है, आपके ड्रीम के लिए आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है। और उधर तब रिचा भी आ जाती है, आपको पता है आपकी बेटी प्रोफेशनल ट्रेडर है पर कभी किसी को बता नहीं सकती, आप दोनों में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, आप नहीं तो आपके ड्रीम के लिए फाइट बैक करते। फिर कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा में चंदन और रॉकी एक साथ डांस परफॉर्मेंस करते हैं और उसे देख के धनलक्ष्मी और तिजोरी गुस्से में उधर से चले जाने लगते हैं। रॉकी जब उनको बुलाने के लिए जाता है तब उसके पापा बोलते हैं, तू भी जनानी बन गया, ये सारे काम हम जैसे मर्दों को शोभा नहीं देते और इनकी फैमिली की कोई कल्चर है, बाप साला नचानिया है, माँ शराब पीती है और दादी को अभी भी प्यार चाहिए, इस फैमिली में तो रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है रॉकी। फिर रानी आती है और बोलती है, आप लोगों से तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हम लोगों में घर वालों को आजादी दिया जाता है, हम डर के साथ नहीं मोहब्बत के साथ रहते हैं, बहुत नसीब से मिलते हैं ऐसे फैमिली। तब तिजोरी रॉकी से बोल रहा है, मैं इससे बात नहीं कर रहा, उसको बोल चुप रहने को। और रानी तब तिजोरी का हाथ झटक के बोलता है, जो बोलना है मुझको बोलो। तब रॉकी बोलता है, तूने हाथ कैसे उठा दिया। रानी तब बोलता है, तूने देखा नहीं वो मेरे फैमिली के बारे में क्या सब कुछ बोल रहा है। तब रॉकी बोलता है, वो मुझसे बात कर रहे थे, तू बीच में क्यों आई, मैं समझा लेता मेरे पापा, तूने हाथ क्यों उठाया। तब रानी बोलती है, ना तो मुझे समझ सकता है ना मैं तुझे समझना चाहता हूँ, ये रिश्ता मैं इधर ही खत्म करता हूँ, ये बोल के सब लोग घर चले जाते। फिर रात को घर जाके सब लोग रानी को ही बोल रहे थे कि तुमने जो भी किया अच्छा नहीं था। रानी तब बोलती है, मैंने तो आप लोगों के लिए स्टैंड लिया था और आप लोग मुझे ऐसा बोल रहे हो। और वो दादी को भी बोलती है, जिस फैमिली से मैं रिश्ता जोड़ने वाली हूँ वो अगर मेरी फैमिली को ऐसे हेट करते हैं तो कैसे मैं उनके साथ रहूं। और दूसरी तरफ रॉकी के घर में भी कलेश चल रहा था, उससे सब सुना रहे थे। तब उसकी माँ टीवी ऑन करती है और अपना प्रोग्राम देखने लगती है। तब उसके पापा और उसके दादी शौक हो जाती है कि ये कब गाना गाने के लिए स्टेज में गई। ये सब कुछ देख के जब तिजोरी पूनम को थप्पड़ मारने के लिए जा ही रहा था तब रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब धनलक्ष्मी बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, अपने पापा का हाथ पकड़ रहे हो। तब रॉकी बोलता है, ये सब कुछ आपका ही क्या कराया है, आपके लिए हम लोग ये दिन देख रहे हैं। तब तिजोरी बोलता है, मेरी माँ से ऐसे बात कर रहा है। तब रॉकी बोलता है, आप मेरे माँ पे हाथ कैसे उठा सकते हो। और आखिर में रॉकी बोलता है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। और पूनम और रिचा भी बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तभी अचानक से व्हीलचेयर में कमल बाहर आता है और तिजोरी को बुला के बोलता है, बेटा घर मत तोड़ने दो। और ये बोलते ही वो खामोश हो जाता है, कमल अब दुनिया में नहीं रहा। फिर रात को तिजोरी अपने बीवी और बच्चों से माफी मांगता है और बोलता है, मुझसे इतने सालों से जितनी भी गलती हुआ हो सके तो मुझे माफ कर दो, आज पापा के जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि असली फैमिली क्या होता है। तब धनलक्ष्मी उसको रोकता है, तब तिजोरी बोलता है, आप मेरे फैमिली के बीच में बात मत करिएगा। फिर वो अगले दिन रानी के घर जाते हैं और उससे और उसके फैमिली से भी माफी मांगते हैं और रानी भी उनसे माफी मांगती है उस दिन के लिए। फिर वो बोलता है, रॉकी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ। फिर हम बाहर देखते हैं रॉकी गाड़ी बैंड पार्टी लेके रेडी हुआ था कि वो रानी को आज ही लेके जाएगा। और इधर ही खत्म होता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे और हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब के लिए बाय बाय।